नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा सद्भावना दौड़ का आयोजन आज सुबह 8 बजे मुरैना स्टेडियम में किया गया, जिसे मुरैना विधायक रघुराज कसाना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सद्भावना दौड़ MS रोड से होते हुए शहीद संग्रहालय जीवाजी गंज स्थित राम जानकी मंदिर के बगल में टाउन हॉल में समाप्त हुई। आपको बता दें, सद्भावना दौड़ को 2 आयु वर्ग में आयोजित किया गया, जिसमें पहले वर्ग में 12 वर्ष से 17 वर्ष तक के धावक शामिल थे और दूसरे वर्ग में 17 वर्ष के ऊपर धावक थे। सद्भावना दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले विजेताओं को मुरैना कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास द्वारा पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मुरैना कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास के साथ ADM SK मिश्रा, CSP सुधीर सिंह कुशवाहा, मुरैना विधायक रघुराज कसाना, तिमनी विधायक गिरिराज दंडोतिया और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। केंद्रीय विद्यालय डिंडोरी में कक्षा 11वीं और 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ नहीं की गई हैं, जिसके चलते छात्रों और अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय डिंडोरी में कक्षा 11वीं और 12वीं का मामला मंडला डिंडोरी सांसद और केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के संज्ञान में आने के बावजूद कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं। शैक्षणिक सत्र का 2 माह बीत जाने के बावजूद कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई अधर में लटक गई है। 11वीं क्लास को लेकर जिम्मेदार नवोदय विद्यालय का प्रबंधन छात्र और अभिभावकों को कुछ स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, जिसके चलते छात्र और अभिभावकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। नाराज होकर छात्र और पालक जल्द नवोदय विद्यालय की क्लास शुरू करने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जल्द क्लास शुरू न होने पर कांग्रेस पार्षद शफी खान ने छात्र और पालकों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। डिंडोरी जिले के शैपुरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत अमठेरा बर्जर खमरिया के जंगल में 1 सप्ताह से शेर ने कोहराम मचा रखा है। शेर लगातार एक के बाद एक गाय, बैल, भैंस का शिकार कर रहा है। वन विभाग के जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि अमठेरा बड़झर खमरिया के जंगल में शेर ने दस्तक दी है और लगातार जानवरों को अपना निवाला बना रहा है। अभी तक शेर ने 6 जानवरों को अपना निवाला बनाया है। आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीण जन दहशत के साए में जी रहे हैं। लोग जंगल की ओर नहीं जा रहे हैं। शाम ढलते ही गांव के लोग घरों में दुबक जाते हैं। वन विभाग के जिम्मेदार जंगल में शेर की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन विभाग के द्वारा कैमरे नहीं लगाए गए, जिस कारण संख्या का पता नहीं चल पा रहा है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी नहीं कराई जा रही है, जिससे लगातार शेर, बैल, गाय, भैंस का शिकार कर रहा है। शेरपानी खमरिया बड़झर यहाँ जंगल भीतर शेर आया है, तो डरता है आदमी बहुत लोग, तो 7 बजे बाहर नहीं निकलता है। शेर ने कितने जानवरों का शिकार किया है यहाँ अपने बड़झर? 5 बड़झर का। वन विभाग के जिम्मेदार आए थे कोई? वन विभाग के लोग आया है, आए हैं। 1 सप्ताह से इस जंगल में शेर आया हुआ है, ऐसा लोगों में भी दहशत है और साथ ही साथ बड़झर, अमठेरा, खमरिया, घुटेना, नज़दीकी जो भी गांव हैं उनमें से कुछ मवेशियों का इन्होंने अपना भोजन बनाया हुआ है। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये टिकरा महेशपुरी को जाता है। 7 बजे के बाद से यहाँ कोई नहीं निकलते हैं, दहशत रहता है और दिन में भी कुछ कामों के लिए लकड़ी लाना हुआ या कोई ऐसा जंगल का कोई काम हुआ तो भी आदमियों में दहशत है, जंगल की ओर बिल्कुल मुंह नहीं कर रहे हैं। 7 बजे के बाद अपने घरों में वापिस आ जाए। देर रात जबलपुर कोतवाली थाना अंतर्गत दीक्षतपुरा में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। जमकर तलवारें और लाठी डंडे चले, दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पूरा मामला थाने में पहुंचा। जानकारी के अनुसार दीक्षितपुरा क्षेत्र में श्रीवास परिवार और वाजपेयी परिवार आमने सामने रहता है। पुरानी रंजिश को लेकर देर रात वाजपेयी परिवार के अतुल वाजपेयी, गुड्डू वाजपेयी ने अपने 8 से 10 साथियों के साथ मिलकर श्रीवास परिवार के घर में वाद विवाद की नीयत से घर के अंदर घुस गया, जहाँ श्रीवास परिवार के लोग ने जब अतुल और गुड्डू को बाहर निकालना चाहा तो दोनों ने मिलकर अपने साथियों के साथ श्रीवास परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। वहीं हमले में श्रीवास परिवार के 2 लोग घायल हो गए। वहीं श्रीवास परिवार के लोगों ने भी दूसरे पक्ष के ऊपर हमला कर दिया, जिससे 2 लोग और घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। वहीं गुड्डू और अतुल मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले को जांच में लेकर तफ्तीश चालू कर दी। ये 2 पक्षों में मारपीट का मामला है। दीक्षितपुरा में एक श्रीवास परिवार है और मनीष श्रीवास और मोहल्ले के लोग हैं, पूरे एक तरफ वाजपेयी परिवार है
तो दोनों को अभी मेडिकल के लिए भेजा गया है और कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग घायल हैं? क्या 4 लोग घायल। किस चीज़ का विवाद है? विवाद उनका मोहल्ले में आमने सामने घर है, पड़ोस का है। हमारे यहाँ कल प्रोग्राम था चौक बारसे का, तो ये गोपाल खूब गाली दिया वहाँ ले जाके, और बाद में रहा तो वो अतुल गुड्डू और वो संगीत नाम का उसका भतीजा, ये सब मिलके हमारे यहाँ बहुत हंगामा करे। वहाँ जाके श्री राधा होटल में लड़कियों को छेड़ रहे, हमारे रिश्तेदार की लड़कियों को छेड़ रहा है, खाने में हाथ डाल रहा, डोंगा उठा के पी रहा, उठा के पटक रहा, इतना गंदा गंदा किया। फिर घर लौट के आए तो खूब मारपीट किया हमारे बच्चों के साथ में। और आज हमारे घर में दरवाजा खुला रहा, बच्चे को घुमा रहे थे तो अंदर घुस गया, ये मेरी बहू को पकड़ा, ये मेरी बहू को गले में हाथ ऐसे डाल के पकड़ा, मेरे को ढकेल दिया बिल्कुल ऐसे। और वो गुड्डू जो अतुल का भाई है, गुड्डू नहीं अरुण वाजपेयी है वो, अतुल, तो वो इतनी गंदी गंदी गाली दिया कि मैं आप लोगों से नहीं कह सकती। इतनी मेरी बेटियां आई हैं मायके राखी को, उनको गंदी गंदी गाली दिया। हाँ मारपीट हुई, उसी ने मारा। पहले उसने मारा। अरे 12-14 लड़के थे, तलवार लिया था, बैस बाल लिया था, और सब घर में दरवाजा आप देख के चलो कि कैसे पटके हैं फतरा, और दरवाजे में मारे, मोहल्ले वालों के दरवाजे में मारे। छोटी देवी के पीछे। मेरा नाम उषा श्रीवास। जबलपुर के उमती थाने के अंतर्गत आने वाले चौथा पुल और रसल चौक के बीच देर रात दोपहिया वाहन सवार ने पैदल जा रही एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में महिला को गंभीर चोटें पहुंची हैं। घटना की खबर लगते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। महिला का नाम जियारिसा है, जो खमापुर इलाके की रहने वाली है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले दोपहिया वाहन चालक हिरासत में लेकर वाहन को जब्त कर लिया है। उमती पुलिस मामले में प्रकरण दर्ज कर घटना के कारणों की जाँच कर रही है। सड़क हादसे के कुछ देर के बाद सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। झांसी तहसील मोच में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी झांसी शिव सहाय अवस्थी द्वारा भूमि संबंधी जितने भी प्रकरण आए हैं उनके संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आज ही मौके पर जाकर जांच कर निराकरण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी द्वारा सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए गए। आज संपूर्ण समाधान दिवस में संबंधित जो मामले आए हैं उसमें कुछ आपसी झगड़ों के और कुछ जमीन विवाद से संबंधित भी हैं, जिनको हम लोगों ने एक्सेप्ट करके और जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उनके पास भेज दिया और इनका आज ही निस्तारण कर दिया है। आज मोट तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे जिले के समस्त अधिकारी उपस्थित हैं। सबकी उपस्थिति में यहाँ पे पब्लिक जो आ रही है उनकी शिकायतों का निर्णय है। मुख्यतः जो शिकायतें आई हैं वो ज़मीन से रिलेटेड जो विवाद हैं उनको लेकर के आई हैं, और कुछ प्रधानमंत्री आवास शौचालय और उज्ज्वला योजना और बाकी जो तमाम गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें लाभ दिलाने को लेकर के शिकायतें प्राप्त की। किसान यूनियन के लोगों ने कुछ सिंचाई और बिजली विभाग से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई हैं। इसमें संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराएं। संपूर्ण समाधान दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी लिस्ट में है। इसको सतत रूप से अनुश्रवण किया जाता है ऊपर से, और हम लोग लगातार अपने अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित कर रहे हैं कि पब्लिक की जो भी ग्रीवांसेस हैं, जो भी शिकायतें हैं, उनका समयपरक और गुणवत्तापरक तरीके से निस्तारण किया जाए। झांसी में भारतीय मानव अधिकार समिति और जन सूचना अधिकार मंच द्वारा आर्य कन्या इंटर कॉलेज में हाई स्कूल परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य सुमन श्रीवास्तव ने कहा कि सम्मान मिलने से छात्राओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मंच द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत आर्य कन्या इंटर कॉलेज में रंजना प्रजापति को प्रतिभा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान छात्राओं को जन सूचना अधिकार, वृक्षारोपण, जनसंख्या आदि के लिए भी जागरूक किया गया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष मुदित चिरवारिया, राजेश तिवारी, नंदकिशोर वर्मा, मनसाराम, लक्ष्मण प्रसाद गजेंद्र, विद्यालय परिवार से अनीता कनौजिया, शालिनी खरे, योगिता सिंह, सुनीता शुक्ला, नीलम त्रिपाठी, रेणु सिंह सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। जन सूचना अधिकार मंच द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में जिन बच्चों ने विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया, ऐसे बच्चों को जन सूचना अधिकार मंच द्वारा
त्रिपुरा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज आर कन्या इंटर कॉलेज सिटी बाजार झांसी के प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। डिंडोरी जिले के जनपद पंचायत अमरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत भानपुर के प्राथमिक शाला भानपुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती वृक्षारोपण कर मनाई गई। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कंप्यूटर और मोबाइल क्रांति के जनक थे। राजीव गांधी का सपना था कि किसान खेत से मोबाइल से बात करे, और आज देश में मोबाइल क्रांति आ चुकी है। कंप्यूटर और मोबाइल क्रांति उनका अहम योगदान रहा। राजीव गांधी के तेलीय क्षेत्र पर माल्यार्पण कर राजीव गांधी के जीवन के बारे में छात्र छात्राओं को विस्तार से जानकारी बताई गई, और कार्यक्रम के अंत में वृक्षारोपण कर प्रकृति को संरक्षित करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाध्यापक संजय कुमार तिवारी, शिक्षिका श्रीमती छोटी आमो, अतिथि शिक्षक प्रकाश यादव, शाला प्रबंधक अध्यक्ष राजेश कुमार यादव, बाल कुमार यादव, पत्रकार राजेंद्र यादव सहित विद्यालय परिवार और आमजन उपस्थित रहे। मैहर से कटनी नेशनल हाईवे 7 की सड़क फोर लेन सड़क अधूरे सड़क निर्माण कार्य के टोल टैक्स वसूली के लिए निर्माणाधीन खैरवासनी में बने टोल टैक्स बैरियर लगा दिया गया, जबकि घुनवारा में सड़क चालू करने के लिए अंडरब्रिज का भी निर्माण नहीं हुआ है। साथ ही सड़क बीच बीच में अवरोधित है। इतना ही नहीं, कई जगह निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसे में पुरानी सड़क से चलने वाले वाहनों को निःशुल्क गुजरने का अधिकार है। इतना ही नहीं, सड़क निर्माण कार्य पूरे होने के साथ साथ लोकार्पण होने के बाद टोल टैक्स का बैरियर स्थापित कर टोल टैक्स पर वसूली करनी चाहिए। इतना ही नहीं, नियम विरुद्ध टोल टैक्स बैरियर पर वाहनों को गति अवरोध करना अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही टोल टैक्स बैरियर में स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, ताकि टोल प्लाजा में आए होने वाले संभावित विवादों में निरंकुश लगेगा, जिसका ज्ञापन मैहर SDM के नाम तहसीलदार रमेश कौल को सौंपा गया, जिसमें अमृता युवा मंडल के पुष्पिंद चतुर्वेदी, गोविंद मिश्रा, ब्रज किशोर शुक्ला, आशीष मिश्रा, राहुल तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झांसी के चर्चित गुड़सराय लूटकांड का 25,000 का शातिर इनामिया आभूषण और असलहा सहित गिरफ्तार। पिछले माह की 8 तारीख को शाम के समय गुड़सराय के व्यवसायी उदय सिंघई के यहाँ अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें व्यापारी के यहाँ से 193 ग्राम सोने के आभूषण और लगभग 18 किलो चांदी के आभूषण चोरी चले गए थे, जिसकी रिपोर्ट थाना गुड़सराय में दर्ज कराई गई थी। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया। टीम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल मिठास के साथ स्वाट टीम थाना गुड़सराय, थाना गरौटा, थाना लहचुरा का पुलिस बल सम्मिलित था। पुलिस के ताबड़तोड़ कार्रवाई से 8 में से 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आज मुखबिर की सूचना पर इस घटना के मुख्य आरोपी संदीप कुशवाहा को गिरफ्तार करने में थाना गुड़सराय और थाना तोड़ी फतेहपुर के टीम को सफलता प्राप्त हुई। आरोपी को एरच रोड पर सदन बाबा मंदिर के पास से सुबह 5 बजे के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से 50 ग्राम सोने के आभूषण और लगभग 4.5 किलो चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। साथ ही अभियुक्त के पास से 315 बोर का एक तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये 8 जुलाई को गुड़सराय में एक ज्वेलर थे, जिनके घर पे जाकर के चार बदमाशों ने अंदर घुस करके लूटपाट की थी, और उनके यहाँ उनकी एक महिला थी, उनको घायल भी किया था। इस पूरी घटना का हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन करके खुलासा किया पूर्व में, और इससे संबंधित माल बरामद हुए। कुल ये लास्ट अभियुक्त बचा था जिसमें 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था, जिसकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसने पहले भी विगत वर्षों में भी कोतवाली में सोना लूट किया था, उसके बाद अपने ही साथी को मेरठ में ले जाकर के उसकी हत्या की थी। इस प्रकार के इस पे क्रिमिनल हैं। इस पूरे गिरोह का सरगना जो आज गिरफ्तार हुआ है वही है, और जो शेष माल था वो शेष माल अब बरामद हुआ है, जिसमें 4 किलो 320 ग्राम चांदी है और 50 ग्राम के आसपास सोने के आभूषण। ये सारे आभूषण इन ओरिजिनल हैं, जिस प्रकार से लूटे गए थे उसी प्रकार से बरामद हैं, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। और इस प्रकरण में अब विवेचना पूर्ण की जा रही है। लगभग सारा माल जो लूट में गया था वो बरामद कर लिया गया है। 4 व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया था और 4 लोगों ने इसमें सहयोग किया था।
कुल 8 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनके गैंग को पंजीकृत कराएंगे इन पर निगरानी रखने के लिए। और इन्होंने गैंगस्टर अपनी गैंग बना करके जो भी संपत्ति अर्जित की है उसके जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। तो बोनस फ्रेंडी के बारे में पता चला इसकी? ये बेसिकली इस घटना का ऑफर जो इनका एक नौकर था एक महीने पहले उसको इन्होंने निकाल दिया था, उसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री थी और उसने अपने बहनोई के माध्यम से इस पूरे गैंग को आमंत्रित किया था। इन लोगों ने गुरसराय में एक मोहल्ले में कमरा लेकर के एक सप्ताह पहले रुक करके पूरी तरीके से रेकी करते हुए और इस घटना को अंजाम दिया। और फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।